हेलो बच्चों, प्रोबेबिलिटी का एक और क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन वेरिएंस वाला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने वेरिएंस वाला उठाया अब तक। ठीक है, इसमें वेरिएंस हम ऐसे निकालना है। ठीक है, ये तो है पीएमएफ ऐसा वैसा, उसका टेंशन मत लो। ठीक है, सबसे पहली बात ना, वेरिएंस जब भी बोले ठीक है तो टेबल बनाने की तैयारी करो। ठीक है, टेबल बनाना होता है, टेबल से आसान जाता है। ठीक है, वैसे लिखोगे मुश्किल जाएगा। ठीक है, पहले टेबल बना लो। चलो टेबल बनाते हैं, टेबुलर फॉर्म में ज्यादा बेटर समझता है और इजी समझता है। ठीक है, चलो बन गया टेबल। अब ये एक, ये इसका दूसरा, इसका तीसरा, इसका चौथा, देखते और जरूरत पड़ी तो बना लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ देखो x, फिर ये जो है p ऑफ x इज इक्वल टू x। ठीक है, फिर यहाँ आएगा एक्स आई पी आई, एक्स आई पी आई लिखो या पी आई एक्स आई लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो पी आई एक्स आई ज्यादा बेटर है। ठीक है, जनरली वही लिखते हैं सब, पी आई एक्स आई मल्टीप्लाई करना होता है ये। ठीक है, अब आगे एक्स आई का स्क्वायर लिखना होता है। ठीक है, क्यों लिखना होता है वो भी बताऊंगा, पी आई एक्स आई का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ टोटल करनी होती है लास्ट में, वो भी करेंगे। ठीक है, देखो पहले जीरो, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री और फिर फोर। ठीक है, चलो ये और ये चलो हो गया। ठीक है, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, जगह वगैरह अच्छी बन गई। ठीक है, अब ये देखो 0.45 अच्छे से लिखना है, एक भी चीज़ गलत नहीं है। 0.35 चाहो तो मैं लिखता है फास्ट, लेकिन नहीं, आराम से एकदम बिल्कुल देखना है ध्यान से आपको। ठीक है, गड़बड़ नहीं करना है, गड़बड़ का काम शैतान का, नॉट इंसान का। ठीक है, 0.02। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। अब देखिए, जीरो इंटू ये क्या हो गया, जीरो, वन इंटू ये 0.35। ठीक है, इसे कर लो सॉल्व, इसे करो तो 0.30। ठीक है, टू से करो, ये थ्री से करोगे तो 0.09। ठीक है, ये करोगे तो 0.08। ठीक है, चलिए क्लियर हो गई बात। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर यानी जीरो का स्क्वायर जीरो, वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, इसका नाइन, इसका 16। चाहता तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करता मन में स्क्वायर लेके इसके साथ, लेकिन गलती से अगर टू का स्क्वायर फोर करना भूल कर मल्टीप्लाई कर दिया तो लग गया, हो गया। ठीक है, चलो इतने से क्वेश्चन गलत क्यों करना। ठीक है, ये जीरो इंटू ये करोगे जीरो ही आएगा। ठीक है, वन इंटू ये करोगे यही आएगा, ये नहीं बदलने वाला, ये बदलेगा ये। अब ये अब देखो 15 × 4 तो 15 × 4 = 60 यानी 0.60। ठीक है, ये 9 × 0.30 तो ये होगा 9 × 3 = 27 तो 0.27। ठीक है, ये 16 × 2 तो 32 आता है तो 0.32। ठीक है, इनको ऐड करना होगा, क्या करना होगा बेटे इनको ऐड। ठीक है, ये जरा ऐड करते हैं। ठीक है, थोड़ा खींचता हूँ मैं इसे नीचे। ठीक है, ज़्यादा हो गई है, एक मिनट। ठीक है, इतना बहुत हो गया। चलिए अब यहाँ इसका समेशन लिखते हैं, इसका समेशन कितना था, इसे बोलेंगे हम समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, इसका काम पड़ेगा उसमें, इसलिए बोलो। ठीक है, पी आई एक्स आई तो इसका समेशन, ये थोड़ा बीच की जो लक्षण रेखा है वो हटा देते। ठीक है, चलो हो गया बीच की रेखा। ठीक है, इज इक्वल टू कितना है, इसको ऐड करो। ठीक है, इतना आएगा उतना, चलो कर लेते हैं, ये हो गए 60 और ये एक लेटर 60 हो गया, 65 हो गया मेरे हिसाब से, 65 कर लेते प्लस इसका कितना हो गया 17 ना, पॉइंट करके ये 17 ही होगा ना। ठीक है, ये 17 तो यहाँ हो गया आपका 2 और 1, आप कर लो स्किप कर लो, ये दिक्कत नहीं। ठीक है, ये 1 और ये 8, ठीक है 82 तो 0.82। ठीक है, 0.82। ठीक है, ठीक है, एक बार आप क्रॉस चेक करना सारी चीजें एडिशन वाली, फिर ये करोगे ऐड तो ये हो जाएगा 95 है ना, नहीं सॉरी, हाँ 95 और ये हो जाएगा 95, 0.95 प्लस 0.9 और ये 5। ठीक है, तो ये हो गया 4, ये हो गया 1, 10, 15 1.5। ठीक है, मेरे हिसाब से है ना सही लिखा ना, 1.54। ठीक है, चलिए देखते ज़रा चेक करना आपा एक बार, पी आई है एक्स आई का स्क्वायर 1. सही तो लिखा जाऊँ 5। ठीक है, चलो इसका फाइनल आया था क्या, हाँ फाइनल तो इसी क्लियर। चलिए तो अब वेरियंस कैसे निकालती है, वेरियंस ऑफ एक्स वार एक्स लिखते इसको। ठीक है, वो होता है वो सबमिशन ऑफ पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस सबमिशन ऑफ पी आई एक्स आई। ठीक है, चलिए xi का स्क्वायर, इसका स्क्वायर देखो यहाँ समीशन ऑफ pi xi का स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ pi xi का होल ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है,
इसमें यहाँ स्क्वायर है सिर्फ, इसमें कंफ्यूज मत होना, इसका होल ब्रैकेट का स्क्वायर। फॉर्मूला ऐसे ही आपको यही करना है, आपको डेरिवेशन नहीं है फॉर्मूला का, आपको यूज करना है, ठीक है? तो यूज करो, ठीक है? वो डेरिवेशन वगैरह देख लेंगे, ठीक है? कर देंगे वो, उसका भी लेक्चर बना देंगे, ठीक है? तो वेरियंस ऑफ एक्स क्या आ रहा है यार, देखो कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.54 यहाँ इसका आ रहा है, माइनस 0.82। टेंशन मत लेना, ये बड़ा नहीं आएगा, ठीक है? ये छोटा ही आएगा। तो 82 का स्क्वायर, देखो 82 का स्क्वायर निकालने के लिए ट्रिक लगा के ज्यादा आसान होगा, 4, 16, 32, 2, 3, 67, ठीक है? ये अब ट्रिक है, छोड़ो, देखो बता दो एक बार, 4 का 2 का स्क्वायर 4 आ गया, सिंगल यूनिट आ गया, लिख दिया डायरेक्ट, यूनिट में लिखना होता है, इसमें यूनिट ही, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है 16, फिर उसको वापस 2 से करो, 16 × 2 = 32, 2 ले लिया, 3 रख लिया कैरी, 8 का 64 स्क्वायर इसका 64 + 3 = 67, 6724, ठीक है? ये ट्रिक होता है। अब 6724, तो देखो 1.54 - 0.6724, ठीक है? क्योंकि करोगे तो इसके देखो 0.82, ध्यान से देखना, डेसिमल के बारे में कंफ्यूज मत होना, तो 2 और 4 नंबर डेसिमल के पीछे जाएंगे, ठीक है? इसलिए ऐसे लिखना, ठीक है? अब मुझे इसका आंसर आप जरा कमेंट करके बताओ, ठीक है? हो गया, अब माइनस करके कमेंट करके आंसर बताओ, ठीक है बच्चा? तो हो गया, आशा है मैं आपको समझा पाया, क्वेश्चन बहुत ही आसान था, लेकिन 3 मार्क्स देके जाएंगे, ठीक है? तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, जय हिंद जय भारत।